अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन बटरफ्लाई। इसके लिए बोनलेस चिकन 250 ग्राम लिया है। देखें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लिया है, लाल मिर्च, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद इसमें लिया है लेमन जूस और थोड़ा सा सोया सॉस। अब इसको सब डाल के मैरिनेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लेमन ऐड किया हुआ है, उसके बाद सोया सॉस, उसके बाद इस सारे इंग्रेडिएंट्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। अब इसके बाद हम एक आलू का बैटर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आलू का बैटर के लिए 2 से 3 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको थोड़ा पानी में अच्छा सा बैटर बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा घोल लीजिए इस पानी को ताकि एक भी लम्स ना रहे। देखिए ये हो गया है। देखिए ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए, फाइन बैटर बना लेना है। इसके बाद हम आलू को इसमें डिप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आलू को काट लिया है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, 21 साइज काट लेंगे। अब इस सारे आलू के स्लाइसेस को इसमें डिप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू को इस कॉर्नफ्लोर में डिप करके रखा है। ये 10 से 5 लाजे के लिए काफ़ी है। देखिए हमारा ये अच्छा सोक हो गया है। अब इसको कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर 1 स्पून डाल लिया है और 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 स्पून मैदा डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल लिया है, 1 स्पून मैदा डाल लिया है। अब अच्छा मिक्स करिए इस बैटर को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है और हमारे आलू भी एक कॉर्नफ्लोर में मैरिनेट अच्छा हो गया है। अब इसको हम बनाएंगे। देखिए इस साइज के आलू में बीच में ऐसा रखकर एक काढ़ी और टूथ पे इसके लिए ऐसा फोल्ड कर लीजिए। देखिए ऐसा फोल्ड करने के बाद इसको स्टिक करिए। बन गए हमारे बटरफ्लाई चिकन। देखिए ये टाइप सारे बनाएंगे। कट कर। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे बटरफ्लाई रेडी हो गए हैं। अब इसको ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा डीप फ्राई कर लीजिए। 10 से 5 लहजे के बाद निकाल लीजिए। हमारे बटरफ्लाई चिकन रेडी हो गए हैं सर्व के। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बटरफ्लाई चिकन रेडी हो गया है विथ सॉस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हर टाइम कबाब खाने से स्पेशल आइटम है बटरफ्लाई चिकन। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। ये जूसी ले भी बनते हैं। ये पटैटो है ना, ये भी एक अच्छा सा फ्लेवर देता है, बहुत ही यमी बनते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।